Teachers, parents,
प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अयाज शेख है और मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ। आपसे मैं एक्सपर्ट हूँ। दरअसल आज के सेशन के लिए मकदूम साहब ने मुझे बताया पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ, क्योंकि मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे नाम बच्चे और पांचों पढ़ रहे हैं, मेरे बेटा यहाँ पे है, मेरे रिश्तेदार है, बस किया था वो भी मेरे साथ हैं और मेरी और चार बेटियाँ हैं, कोई पढ़ रही हैं। तो वैसे भी पेरेंट भी मुझे इन चीज़ों का इल्म है कि हमारी क्या मसाइल हैं, और फिर चूँकि मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता हूँ तालीमी इदारों से, तो तालीमी इदारों के भी क्या मसाइल हैं उसका भी मुझे अंदाजा है। तो आज भी मैं तकरीर या लेक्चर देना नहीं चाहता बल्कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सुनाऊंगा, उससे बात करूँगा और देखेंगे कि कैसे थे वालिदैन के अपने बच्चों की तकलीर संभालने में, उन्हें रूज की तरफ ले जाने में हमारा क्या रोल है। आप लोग उर्दू में कंफर्टेबल हैं या अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं? उर्दू इज ओके, क्योंकि अंग्रेजी हमारी जरूरत है, उर्दू हमारी माँ है, तो जरूरत पे छोड़ सकते हैं ना, माँ को छोड़ सकते हैं, लेकिन उर्दू एक अच्छी जबान है, हमारी मादरी जबान है। दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन औलाद जो है अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी नियामत दुनिया की कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जिनकी औलाद नहीं है उनके दिल से पूछिए कि औलाद ना होने का गम क्या है। तो दूसरी जानिए जिनकी औलाद अच्छी है उनकी खुशी का आलम पूछिए, बड़े खुश होते हैं हमारे बच्चों ने, मेरी बच्ची ने, मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। लेकिन जिनकी औलाद बिगड़ी हुई होती है उनका दर्द भी जाता है, जो मुआशरे में अपना चेहरा छुपाते घूमते हैं कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने बदनाम कर दिया है। तो दरअसल जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं बच्चों की तरबियत के लिए, अब मैं बात को थोड़ा सा पीछे की तरफ दे रहा हूं। बच्चे की तरबियत में वालिदैन का किरदार अदा कर सकते हैं, मैं मौजूद के साथ कर रहा हूँ, टीचर्स स्कूल का अपना एक रोल है, लेकिन शायद वो रोल वो अदा नहीं कर पाएंगे जो पेरेंट्स करते हैं। अब बच्चा जब माँ के पेट में होता है तभी से उसकी तरबियत का आगाज होता है। अब आपको ताज्जुब हो रहा है कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं, उसकी तरबियत का कैसे आगाज हो गया। तो आज की जो साइंसी तहकीकात है वो ये कहती है कि वालिदा की जो एक्टिविटीज़ जिस वक्त वो उम्मीद से होती हैं, वो एक्टिविटीज़ बच्चे की आइंदा ज़िंदगी के और उसके ज़हनी नशोनुमा पे असर अंदाज करते हैं, साइंसी तहकीक है। इसीलिए यहूदी जो है, यहूदी कौम है, आज दुनिया में सारे नोबेल प्राइज उनको मिलते हैं, हालांकि मौजूद कौम है नजर नाजिल हुआ अल्लाह का उस पर, लेकिन उस कौम के माएँ जब उम्मीद से होती हैं तो उन्हें वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना लिटरेचर पढ़वाते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करते हैं कि जिससे उनके अंदर वो कौमियत का जज्बा हो इल्म की तरह। इसके बाद उनके जो बच्चे आते हैं वो अपनी कौम के लिए और दीगर चीज़ों के लिए उनका जो रोल है हमारे सामने। मैं आपको एक तारीख में पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हम सब डॉक्यूमेंट्स हैं,
जानते हैं आप सब लोग सही अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को जानते हैं कम से कम ग्यारहवीं के हवाले से तो जानते हैं हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने जब दो तीन साल के हुए तो बिस्मिल्लाह खानी बनी अपने पास बल्कि आपके पास तो फंक्शन मालूम हो ठीक है बड़ी दावत होती है उसमें खुशी होती है बच्चे ने आज पढ़ना शुरू कर दिया हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा शेख को लेकर मस्जिद के इमाम साहब के पास आलिम साहब के पास गए और कहा कि जरा बिस्मिल्लाह खानी कर दीजिए बच्चे अब हजरत शेख को कहा कि बेटे छोड़ो पढ़ो बिस्मिल्लाह तो मैंने ये जो पढ़ा है इसकी सनद का मुझे इल्म नहीं है लेकिन किताब मैंने पढ़ाए हमारे वाले साथ के पास किताब उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा सूरह फातिहा खत्म हुई सूरह बकरा खत्म हुई यहाँ तक के वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए यहाँ तक के 15 पारे खत्म हो गए 15 या 17 पारे अब वो मौलाना परेशान हो गए कि आप क्या मेरे साथ मजाक करने के लिए नहीं आए बच्चे इसको बिस्मिल्लाह पढ़ाओ बोल रहे हैं ये 17 पारे या 15 पारे जो भी है रिवायत क्या माजरा है उन्होंने कहा कि मैं हाफिजा हूं और मैं जब मेरा बच्चा पेट में था तो मैं मुस्तकिल कुरान की तिलावत करता यहाँ तक के मैंने अपने मरहले तक 17 पारे मैंने पढ़े हालांकि मुकम्मल कुरान के हाफिज थे और फिर वो कुरान उस बच्चे के जहन में भी नक्श हो गया और वो पढ़ के सुना मेरी बहनों एक बात ऐसा बुरा नहीं मानेंगे हम सबके घरों का माहौल है क्या हमारे घरों में यही सब होता है तो टॉप को करें टॉल आप देखेंगे जिस घर में 24 घंटे स्टार प्लस चलता है अगर चलता हो मैं इंटरटेनमेंट का मुखालिफ नहीं पॉजिटिव इंटरटेनमेंट ये भी नहीं समझिए कि मैं कोई मौलाना मदरसे से खाली हूँ आपके सामने खड़ा हुआ देखिए कोट पैंट पहना हुआ अमेरिका के साथ 13 साल जिंदगी गुजारी मेरी तालीम पूरी अमेरिका से ब्रिटिश के साथ हुई आप ये मत समझिए कि कोई मौलवी आके तकरीर उनका बहुत बड़ा दर्जा है हमारा हम उनके पैर के हाथ भी नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ हमारे घर में स्टार प्लस चलता है कलर चलता है और हमारी वो बहन जो उम्मीद से होती है टाइम पास के लिए गाने देखती है फिल्में देखती है एंटरटेनमेंट के नाम पे आईपीएल और सारी बढ़िया चीज़ें हमारे पास हैं और फिर साइंस से कहती है तो वालिदा की हरकत पेट में जो बच्चा है और एब्सॉर्ब करता है जज्ब करता है उसे अब आप बताइए कि फिर औलाद जब दुनिया में आएगी इलाज की तरबियत से बाद में अच्छी मिले तो उसके अंदर वो चीज़ें जो जज्ब हुई हैं क्या उसे अजीम आदमी बना सकती है बिल्कुल किसी के घर में टीवी का देखना नहीं मुबारक है वो लोग जिनके पास केबल नहीं मेरे घर में भी केबल है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हमारे मौलाना बहुत अच्छा कहते हैं इस्लाम का छठा फर्ज टीवी है और सातवां फर्ज केबल है और आठवां फर्ज स्मार्टफोन है तीन पर ज्यादा हो गए अब जो हमारे हमारा बच्चा ये सारी चीजें सीख के आप दुनिया में आ रहा है अब अगर मेरे पास किसी के पास टीवी नहीं है तो घरों का जायजा लीजिए कि किस तरह के माहौल में हम लोग रहते हैं अब राम का निहार घर की कहानी है नथिंग स्ट्रेंज गीबतें चुगलियाँ झगड़े फसाद की बातें आपसी लड़ाई
ये हमारे घरों में चलता है। हर घर की कहानी है, इंक्लूडिंग माय होम, माय होम हमारे घर नहीं है। इससे अगर वो दायरे लिमिटेड दायरे में है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वो बढ़ जाते हैं तो यही चीज़ें बच्चा भी ऑब्जर्व कर रहा है कि बच्चा पैदा हो गया है, अब उसे एक माहौल मिल रहा है। और एक बात जहन में रखिए कि सारे जीरो दुनिया में जितने हैं, सारे जो हैवान हैं दुनिया में, गाय, बिल्ली, कुत्ता, शेर, हिरन, सारे जानवर, और इंसान पर शुक्र मकबूल बात है तो एक जानदार है इंसान। इंसान का बच्चा ज्यादा दिनों तक बच्चा रहता है। आपको मालूम है कि बकरी का बच्चा पैदा हुआ और एक 10 मिनट के अंदर फैल जाता, एक घंटे के अंदर घास खाना शुरू कर देता, झूठना शुरू कर देता। बिल्ली का बच्चा एक थोड़े अरसे के बाद, 2-3 महीने के बाद इस काबिल हो जाता है कि अपना शिकार कर सकता। इंसान के बच्चे को अल्लाह ताला लंबे अरसे तक बच्चा रखता है। क्या वजह है, क्या वजह है इस बात? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि इंसान का बच्चा अपने बचपन की तरबियत में ज्यादा वक्त गुजारे, वो ज्यादा सीखे, क्योंकि वो सिर्फ हैवान नहीं है, अशरफुल मखलूकात है, खलीफा फिल अर्ज है, जमीन पर अल्लाह का नायब है। इंसान का बच्चा सबसे ज्यादा बेहतर बच्चा है, और बच्चे का दिमाग जदीद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और जदीद मेडिकल साइंस कहती है कि बाय द एज ऑफ 4 उसकी तकरीबन 40% एडल्ट इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है। 4 साल की उम्र बच्चे को बच्चा नहीं समझे गए थे, बच्चे बच्चे नहीं होते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन है, उनकी हर चीज हम उस तरफ आ रहे हैं उस बात में। अब ये जो बच्चा है आपको बैठ जाइए बेटा, आपको सेटल हो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि अभी 15 मिनट बाद मैं चला जाऊंगा, पता नहीं मुझे कब आने का मौका मिले। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, बाय द एज ऑफ 6 60% ऑफ एडल्ट इंटेलिजेंस उसके पास डेवलप होने की होती है, तो बड़ा दिमाग। आप बच्चे को बच्चा मत समझिए, वो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, देख रहा है, सीख रहा है अपने माहौल से। अब सबसे पहले अपने वालिदैन से, अपने अतराफ के माहौल से बच्चा मुस्तकिल सीख रहा है, क्योंकि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर हिम। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न ही इज जस्ट अ ब्लैंक स्लेट apart from what he has absorbed, what he has absorbed. अब ये जो बच्चा है छोटे से बड़ा हो रहा है, अब हमारे वालिदैन, हमारे घर के अफराद बच्चे से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे, बातचीत कर रहे हैं, बच्चा बेहंगम आवाजें करता है, हम खुश हो जाते हैं, अरे मैं बोले तो सब बोली तुमको, और यकीनन उसके रिफ्लेक्सेस हैं। वो चाइल्ड साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस कहती है कि बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह ताला ने अगर उसे अशरफुल मखलूकात बनाया है तो वो चीज़ें उसके अंदर रखी है दिमाग में, वो चीज़ों को समझ सके, और फ्लैश बैक के तौर पर जिंदगी में कहीं ना कहीं उसके साथ आती हैं वो चीज़ें। मैं आपसे कह रहा हूँ अब उसको सिखाते हैं, आप उसको किसी स्कूल में नहीं डालते पैदा होते, बल्कि वो आपकी लैंग्वेजेस, वो अपने सेंसेस को इस्तेमाल करता है, बच्चा अपने देखने को इस्तेमाल करता है, कान को इस्तेमाल करता है, और टच को सोचता है, और उसके जरिए से सीखता है। ऑडिटरी जो उसके सेंसेस हैं वो अल्फाज को डेवलप करते हैं, ये माँ, अम्मी, अब्बा, दादा, दादी, जो कैबिनेट डेवलप हो रही है उसकी।
फिर वो गलतियाँ करता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता है, कभी कभी होते वो कोई और चीज़ हो जाता है क्योंकि उसका स्पेलर ही नहीं है। मुझे इसी तरह याद है कि हम जब बाहर से आए थे तो बाहर भैंस तो नहीं थी वहाँ पर, तो मेरी बच्ची शायद 2 साल की थी, भैंस बच रहे तो अबू ही लोग बोल रहे हैं, बोला बहुत बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ की। तो क्या ये हाथी है? नहीं, ये हाथी नहीं, ये भैंस है। तो बच्चे के अंदर क्यूरियसिटी होगी, सवाल भी करना शुरू करता, सीखता ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन से बच्चों के ये वोकैबुलरी डेवलप करता है ताकि वो अपने इस मुद्दे का इजहार कर सके। जब वोकैबुलरी नहीं होती तो उसका कम्युनिकेशन का जरिया रोना होता है, हर चीज़ रो के इजहार करता है, भूख लगी तो रोता है, तकलीफ भी तो रोता है, उसके अंदर एक मैसेज है माँ के लिए और माँ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होती है उससे, स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड होती है। उसका बच्चा किसी दूर कमरे में भी रो रहा है तो उसको एहसास हो जाता है कि बच्चा रो रहा है, ये अल्लाह का निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बच्चा आपसे सीख रहा है, एक एक चीज़ें सीख रहा है, बच्चे का शायद क्लीन स्लेट है, एकदम क्लीन है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, प्लेन हार्ड डिस्क है। अब हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। बच्चा जब पैदा हुआ उसके पास ना कोई नफरत का जज्बा है, ना हसद का जज्बा है, ना दुश्मनी है, कोई जज्बा नहीं है उसके पास। अब वो अपने सराउंडिंग से और खास तौर पे उसके सबसे बड़े मुहाफिज जो है उसके पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स से सीखना शुरू करता है। अच्छी चीज है, वालिद को देखता है कि नमाज पढ़ रहे हैं, तस्बीह लेकर बैठे हुए आके अच्छा मुस्लिम की तस्बीह लेकर बैठेगा, वालिदा को देखता है कुरान पढ़ रही है, होमवर्क करा रही है बच्चों, अपन भी कॉपी लेकर बैठ जाता है। ये सब चीजें हो रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से बच्चा हमारे एक 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 एक्शन को कॉपी करता है, एक एक चीज को कॉपी करता है, क्योंकि उसके नजदीक उसके आइडियल उसके माँ बाप हैं, उनको पता है कि ये माँ बाप ही मेरे सब कुछ हैं और ये जैसे कर रहे हैं मुझे वैसे करना है, ये प्रोग्रामिंग हो रही है। अब बच्चे के जहन में चाचा, जरा खामोश रहिए, अब माफ कीजिए मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, तो आमतौर पे चाचा फूफू ये झगड़े घरों में बहुत चलते रहते, बड़े अब्बा चाचा फूफू ससुराल के झगड़े अलग, वो झगड़े अलग, एक फितरी चीज है वो, नेचुरल मिजाज में तो कोई मसला नहीं है। अब बच्चे के जहन में चाचा चाचा है सर, अब वालिदा घर में आया एक मरीज चाचा, अब उसके जहन में प्रोग्राम हो गया कि मेरा चाचा मरीज है, एक प्रोग्राम हो गया उसका, तेरे पप्पू को काम धंधा नहीं आज बैठती मेरे घर में, पप्पू काम धंधा नहीं आज बैठी एक प्रोग्राम में, खाला बहुत अच्छे थे, खाला बहुत अच्छे, नानी तो जन्नत की हूर अल्हम्दुलिल्लाह, नानी तेरी दादी जो है ना दूसरे बेटे में नहीं मिलती, तेरे अब्बा को मिलते रहते थे। अब दादी के बारे में उसको धन्यवाद हो रहा, उसको लगा कि चाचा अच्छा, चाचा खराब, मामा अच्छा, ऐसा हर जगह नहीं होता, मैं मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, आपके मेरे को आप कंप्लेंट कर देंगे स्कूल में सर क्या बोल रहे हैं, हर घर की कहानी है और हर हर माँ जो है ना कभी बहू थी तो कभी सास बनी होती, सीरियस की बात नहीं है, तो सास भी कभी हो गई तो कभी खत्म ही नहीं होगी, शायद कयामत तक भी उसके चलते रहेंगे। मैं बता रहा हूँ कि बच्चे के साथ में प्रोग्रामिंग हो रही है, बच्चा सोच रहा है। अब इसके साथ साथ आप बैठे हैं, एक फिल्मी हीरोइन आ गई पर्दे पे आपकी स्क्रीन पे, टीवी के क्या खूबसूरत है हीरोइन, क्या जबरदस्त ड्रेस में है। अब उसके जहन में खूबसूरती का तस्वीर उस लड़के या लड़की के जहन में ये बैठा कि ऐसे हीरोइन के तौर पर होना चाहिए, ये खूबसूरती का तस्वीर। इस तरह से माँ बाप
बच्चों की प्रोग्रामिंग है। एक एक चीज आपको ऑब्जर्व करता है बच्चा और आपसे सीखता है, इल्ला ये कि वो चीजें उसके जहन में पुख्ता हो जाती है, और जब पुख्ता हो जाती है तो उस मेमोरी को जो परमानेंट होती है उसको इरेज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है इल्ला माशाल्लाह। और फिर इसके बाद सिलसिले शुरू हो, आपने आइडियल्स बनाए अपने एटीट्यूड के जरिए से, आपने कहा कि ये मॉडल, ये हीरोइन, ये प्लेयर कामयाब है, बच्चे को लगा कि ये हीरोइन, बच्चे को लगा ये हीरोइन, ये मॉडल कामयाब है और मुझे भी इसके जैसे बनना चाहिए। लेकिन जिन घरों में अल्लाह ने तौफीक दी है, दीन का माहौल है, वहां सहाबा इकराम के और ये अल्लाह के किस्से होते हैं, तो बच्चे को लगता है कि इंशाल्लाह मैं तो खालिद बिन वलीद, इंशाल्लाह मैं भी हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की तरह बनूंगा, इंशाल्लाह मैं भी जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि की तरह बनूंगा, इंशाल्लाह मैं भी टीपू सुल्तान के जैसा बनूंगा। जिसके घरों में यह तालीम है और जिनके घरों में यह तालीम है उनका ख्वाब होता है कि वो आइडिया वो बने जो कि टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए। हमारी बहनें रील लाइफ और रियल लाइफ का फर्क महसूस नहीं कर सकती। आपके दो पैसों में नाचने वाले दो टके के औरतें और मर्द आपके बच्चों का रोल मॉडल बन गया है, किसने उनके दिमाग में डाली? नफरतें मोहब्बतें अच्छाई बुराई घर से शुरू होती है, घर में प्रोग्राम करते हैं। बहुत सीरियस गुफ्तगू हो गई है, चलिए मैं आपका एक लतीफा भी सुना देता हूँ। अभी बकरीद आ रही है ना, पिछले साल बकरीद के बाद मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज मिला था कि वालिदा अपने बेटे से कह रही कि दो थैलियाँ हैं ये गोश्त के दो थैलियाँ हैं, बड़ी थैली खाला की है, छोटी थैली कुकू की है, इधर की उधर करा तो गया समझ लो। क्या प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चों का? जो कह रहे हैं कि एक दावत अभी है, इस्लाम ने तो सदियों के दुश्मनों को आपस में मिला दिया है, खून के पैसे लोगों को, और आज हमारे घरों में पॉलिटिक्स, घरों की पॉलिटिक्स और घरों की ये चीजें बच्चों को क्या करें? चलिए ठीक है, अब ये मरना तो हमने तय कर दिया, अब हम बच्चे को पकड़ के लेके आके स्कूल पढ़ाए। मकदूम साहब के पास आए, मकदूम साहब ये हमारा बच्चा है, आपके हवाले। अब मकदूम साहब भी अल्लाह उनको जजाए खैर दे, स्कूल चलाना इस दौर में किसी को, अगर एक हमारे दोस्त को कह रहे थे किसी को बर्बाद करने का मशवरा देना रहा तो उसको बोला स्कूल खोल लिया, ऑटोमेटिक 10 साल उम्र बढ़ जाती है, इतने टेंशन रहते हैं और पेरेंट्स को लगता कि बहुत आसान है स्कूल चलाना। अब आप अपने बच्चे को लेके आए छोड़ेगा स्कूल, स्कूल में दाखिल करने के बाद वालिद साहब को भी और वालिदा को भी लगता मेरी जिम्मेदारी पूरी खत्म, अब दैट इज द हेड ऑफ मखदूम सर एंड इस्लाह स्कूल, आई गॉट नथिंग टू डू स्कूल में। याद रखिए एक बात, आप जो तरबियत कर सकते हैं स्कूल तरबियत नहीं कर सकता। आपके लिए आपका एक बच्चा और बच्ची है, स्कूल में एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, एक टीचर अपना अटेंशन 40 बच्चों में तकसीम करती है। आपके बच्चों को माहौल प्रदान कर सकते हैं, अच्छे लेक्चर्स अरेंज कर सकते हैं, एक्टिविटीज दे सकते हैं, लेकिन जिस दर्द से आप तरबियत कर सकते हैं टीचर नहीं कर सकती। उसके नजदीक टीचर्स का एक बड़ा रोल है, इंशाल्लाह कभी टीचर्स के गुफ्तगु की टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पर हम बात करेंगे। टीचर्स के नजदीक आपका बच्चा एक स्टूडेंट है, जो उसकी जिम्मेदारी है उसके अच्छे ग्रेड आए, किसी हद तक उसकी तरबियत हो, रिपोर्ट कार्ड अच्छा है उसका, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन टीचर वो मोहब्बत चाहकर भी आपके बच्चे को नहीं दे सकती जो एक माँ अपने बच्चे को दे सकती, नहीं दे सकती, क्वाइट नेचुरल। और उसका आपका एक ही बच्चा नहीं है, उसके पास 30-40 बच्चे हैं,
फिर घर जाने के बाद उसके अपने भी बच्चे हैं, उसका अपना भी शौहर है। हमारे पेरेंट्स की बड़ी गलतफहमियां सबसे बड़ी ये है कि हम ला के स्कूल के हवाले करके सोचते हैं खत्म है स्कूल में पढ़ लेना। स्कूल में आपकी तरबियत को अच्छी तरबियत अगर आपने घर में की है तो स्कूल वाले सपोर्ट करके उसको मुस्तहकम करते हैं, उसको मजबूत करते हैं, लेकिन फ्रॉम स्क्रैच ये लोग आपके बच्चे की तरबियत नहीं कर सकते। मैं आपको खुला बताता हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे अंदाजा है, आप इस भरोसे पे मत रहिए कि आपका बच्चा स्कूल के हवाले करके अब वो बहुत तरबियत जाता होगा, नहीं। जब तक कि आप स्कूल को घर से सपोर्ट नहीं मिले वो बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। जिन लोगों के बच्चों ने भी तरक्की की है, अगर आप उनकी हिस्ट्री की बात करें और मकदूम साहब इस बात से मुस्तफिद भी होंगे कि उन बच्चों को उनके घरों से बहुत अच्छा सपोर्ट है। वालिदैन पूछते थे क्या होमवर्क करके आए, क्या पढ़े। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे दादा हजरत नजीरुद्दीन साहब जो बहुत बड़ी शख्सियत थी, हम जब स्कूल से आते थे, आप जैसे ऐसा पॉश स्कूल नहीं थे हमारे, नीचे शतरंज बिछाते थे, नीचे बैठते थे, ठीक है। और हम स्कूल से आने के बाद मैं और मेरी बहन स्कूल से आए, मुंह हाथ धोए, अब उसके पास बैठ गए, सबसे पहला काम दादा को दिन भर क्या पढ़े वो सुना। सुबह 8 बजे से शुरू करते थे, 8 से 9 क्या क्या हुआ मियाँ, ये पढ़ाए उनको, सत्य क्या पढ़ाए, अच्छा 9 से 10, 10 से 11 यहाँ तक के बड़े हजरत 3 बजे तक बच्चा नहीं जाते थे, पूरा सुनने का, अच्छा ठीक है खाना खा लो बोले थे, उसके बाद वो खाने की कुंजी थी हमारे पास। और फिर उसके बाद अगर किसी जगह कोई चीज़ हो रही है तो फिर वो टेलीफोन का ज़माना तो था नहीं, हमारे साथ स्कूल को आते थे कि बच्चा ये चीज़ नहीं समझ सका था, आपके टीचर ऐसा हो जाए, कभी कोई कोई चीज़ महसूस करे उसका कोई कमेंट बना पा के बोलते, क्या हम ये कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, फुर्सत ही नहीं है अपने को अपने बच्चों के लिए। कितनी ताज्जुब की बात है कि सारी दुनिया के लिए फुर्सत है, फुप्पू की बेटी की रस्म के लिए फुर्सत है, चाचा की बेटी के वलीमे के लिए फुर्सत है, वो फरा बच्चे की क्या है वो रस्म उसकी फुर्सत है, वो फरा बच्चे की बर्थडे के लिए फुर्सत है, अपने बच्चे के लिए फुर्सत है। फुर्सत है भी तो छोटे मोटे चीजों के लिए, ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत का बहुत इजहार होता है, शॉपिंग को साथ में लेके जाते हैं, चल जाके बाजार में बहुत बड़ा, कभी कभी गार्डन चले गए। और फिर जो थोड़ा सा मॉडर्न पेरेंट्स हैं मैं देखता हूँ कि नजर आते हैं बाहर से मल्टीप्लेक्स चलो, बड़े स्क्रीन का मजा ही कुछ और है। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। आप बच्चे को इस तरह से उसकी तरफ से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और वो बच्चे को स्कूल से छोड़ देते हैं। आपको पता है कि जितने बड़े लोग दुनिया में गुजरे हैं उनके माँ बाप बहुत बड़े लिखे नहीं थे। अब हमारे पास एक रिजन ये रहता, हमारे को नहीं आता साथ ना इंग्लिश आती ना मैथ्स आती ना साइंस आती, क्या करना हो बच्चों को क्या पढ़ाना, आपको पढ़ाना नहीं है, आपको पढ़ाना नहीं है, आपको उनके साथ बैठना है, आपकी मौजूदगी जो असर अंदाज करेगी वो बयान से बाहर है। मेरी वालिदा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि 10th के एग्जाम के वक्त तो सारी रात हमारे साथ जाते हैं, सारी रात जाते हैं, एक सपोर्ट बच्चे को मोरल सपोर्ट मिलता है कि मेरा बच्चा है, मेरी वालदा जब है, मेरे वालिद साहब जब है मेरे साथ। सॉरी हमारे पास क्या है वक्त नहीं है, बच्चे आए ठीक है रास्ता फेंक दिए, उसके बाद घरों में टीवी है, टीवी का कोई टाइम टेबल नहीं है, जिसका जब दिल बोले ऑन किए केबल चल रहा, वही 4-5 चैनल, वही घरों में रहमत के फरिश्ते कहाँ से आने जाते हो, जिस घरों में नंगा नाच हो रहा हो रहमत के फरिश्ते और बरकत कहाँ से नाजिल होती, बोलो
कुत्ता रहते तो फरिश्ता नहीं आता, नंगी औरतों को देखे तो फरिश्ते आएंगे हमारे घर? क्यों झगड़े हो रहे घरों में? हर घर में झगड़े हैं मियां बीवी के, भाई बहनों के, सास बहू के। नई नई बच्चियां हैं, 3 महीने नहीं होता तलाक हो रही, क्यों हो रहा है हमारे में? हमारे सारे सोशल साइंटिस्ट परेशान हैं। और एक बात मैं आपके सामने आज करूं कि मैं फैमिली काउंसिलिंग में भी हम लोग घूमते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में तलाक हो रही है, तरबियत का नतीजा आएगा। आपको अंदाजा नहीं है, एक तलाक हाल में ऐसी हुई, एक साहब ने डीपी रखी अपनी भांजी की, व्हाट्सएप में डीपी रखी है, फोटो रहती है। मैंने बोले कि मेरी भांजी की रखो, तुम्हारी भांजी कहीं पर, इस बुनियाद पर तलाक। कैन यू जस्ट इमेजिन किस तरफ जा रहा हूं, किस तरफ लेके जा रहे हैं बच्चों को? हमारे पास हमारे बच्चों के लिए अगर बात नहीं है तो कल मत रोइए उनके लिए कि मेरा बच्चा हाथ से निकल गया। आप उनके साथ बैठिए, चेक कीजिए उनको। अभी एक मस्जिद में तरावी की नमाज हो गया था, वहां पे साहब कह रहे थे, बुजुर्गों का कॉल है कि सोने का निवारा खिलाओ और दुश्मन की नजर से रखो। तो मैंने कहा कि दुश्मन की नजर से नहीं देखना चाहिए बच्चों को, मोहब्बत की नजर से देखना चाहिए। उनका मतलब यह था कि आप उन पर निगरानी रखो, भरोसा अच्छी चीज है। आज कभी कुछ बच्चों के बारे में इत्तला मिलती है, मोहल्ले के लोग जाते हैं कि साहब आपकी बच्ची जरा इधर उधर दिख रही थी, जरा अरे हमारे बच्चे पर भरोसा नहीं था। भरोसा जरूर रखिए लेकिन आंखें खुली रखिए। भरोसा आपकी बच्ची पे लेकिन जमाने पे भरोसा कर सकते हैं? ये तरबियत देकर बच्चियां, हमारे बच्चे जब स्कूल आते हैं, स्कूल के माहौल में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद उनका प्रोग्रेस होता है, कॉलेज में जाते हैं, फिर एक चीज और हमारे पास है कि जब आप अपने बच्चों को लेकर स्कूल को आते हैं तो यहाँ पे एडमिशन दिलाता है, आप अपने बच्चे को एडमिशन नहीं दिलाते, बल्कि सर मैं आपसे कहूंगा कि उम्मीद को एडमिशन दिलाते हैं। एक उम्मीद को एडमिशन दिलाते हैं कि नाउ माय चिल्ड्रन आर योर सेफ हैंड्स, नाउ इट्स अप टू यू टू मेक और ब्रेक देम, आप उनके हवाले करते हैं। ये कहते हैं कि वी ट्राई आवर बेस्ट बट वी कैन नॉट डू विदाउट योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते, ये उनका जवाब होता है। अब एक दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूं मैं। अब हमारे बच्चों को बचपन से ख्वाब दिखाते हैं, आइडियल्स बनाते हैं। एक तो आइडियल्स नाचने गाने वालों का हो गया, क्रिकेट प्लेयर्स का हो गया, ठीक है। दूसरा आइडियल ये बनाते हैं, बड़ा होकर तेरे को डॉक्टर बनना है, बड़ा होके तेरे को इंजीनियर बनना है, बड़ी होके तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। सारे प्रोफेशन जो हमको अच्छे लगते हैं मार्शल में, जो प्रोफेशन जिसमें खासतौर पर इनकम ज्यादा है, जिस प्रोफेशन के जरिए से अच्छा घर बन जाता, अच्छी कार आ जाती, वो प्रोफेशन को हम बोलते हैं बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनना। वो खयूम भाई का बच्चा देख, सुल्ताना का बच्चा देख, डॉक्टर बना, अमरीका गया, क्या कमा रहा था, क्या यहाँ शाली बंडा करके आप दोनों छोटे में कैसा महंगे सा घर बनाए। अब बच्चे के जहन में आइडिया डाल दें, बुरी बात नहीं है कमाना, बुरी बात नहीं है, अल्लाह ताला आपको करोड़पति बना दे, बल्कि इस्लाम को चाहता है कि हर शख्स दौलतमंद बने ताकि वो ज़कात अदा कर सके, दूसरों की मदद कर सके। लेकिन उसके जहन में हम मटेरियलिज्म का बोझ बीज बो रहे हैं, मटेरियलिज्म का, माता परस्ती का, और उसके जहन में एक प्रोग्राम ये कह रहे हैं कि बेटा पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, पोजीशन है तो सब कुछ है। जैसे अकबर इलाहाबादी एक शायर हैं, उर्दू के मजाहिया शायर थे, तो उन्होंने एक मजाहिया शेर लिखा है जो आज हमारे मुआशरे में फिट आता है। उन्होंने कहा कि अकबर ने कहा कि ऐ यारो अल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं, अकबर ने कहा कि ऐ यारो
अल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं, यारों ने कहा ये बात गलत, तनख्वाह नहीं तो कुछ भी नहीं, ये हम डेवलप कर रहे हैं कि देख उनकी गाड़ी, देख उनका घर, देख उनकी स्पेंडिंग, सोने का हर पास तोले का ला लिए, हीरे की अंगूठी आ गई, मोबाइल फोन उसके पास एप्पल का है, तेरे बाबा जिंदगी में कुछ नहीं कर सके, खाली अम्मा के भाइयों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिए, तेरे को कुछ बन रहा तो डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, खूब कमा, खूब कमा। लेकिन मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कभी हम ये बोले कि बेटा खूब कमा लेकिन हलाल कमा, हलाल खत्म हो गया। हमारे आपिल साहब बोलते थे कि कहां का हलाल और कहां का हराम, हटे हाय उनके बचे रामलाल, दोनों में से है निकल तो रामलाल बचता बन। हम अपने बच्चे को बोले कभी कि बेटा इंजीनियर भी बन, डॉक्टर भी बन, साइंटिस्ट भी बन और वजीर आजम भी बन, इस मुल्क का क्या मसला है? कॉफी वाले और आइसक्रीम वाले बन जाते, चाय वाला नहीं बन रहा, तो हमारे बच्चे नहीं बन सकते ना, कॉफी वाला और आइसक्रीम वाला बन रहा क्यों नहीं बन सकते, खरीबा बन सकते हमारे बच्चे। लेकिन आप ख्वाब दिखाओ तो सही ना, उनको छोटे छोटे ख्वाब, छोटी छोटी चीजें, माता परस्ती, माता परस्ती, मटेरियलिज्म, पैसा है तो सब कुछ है, उसका ड्रेस देख। अब आजकल तो क्या है, डिजाइनर क्लोथ्स, बच्चियां हमारे वालिदैन को लेके जाके क्या है, कौन सा पत्थर लड़की लाट बाजार कैसे अपना 250, 300, 500 का सूट दिला देते थे, 700 का सूट, 1000 रुपए का, चलिए कोई मसला नहीं है, दिला देते थे 1200 रुपए का, कोई मसला नहीं है। अब बच्ची ने किया डिजाइनर सूट बना, मेरे को 15000 का डिजाइनर सूट कहां से लेगा, कहां से लाएगा बाप, शोहर के ऊपर नाराज है वो। फरीदाबाद की बच्ची कैसा बन रही, हमारी बच्ची क्या पहना ले जाती शादी में, सब ना ले जाते, चार लोगों में दिखाने, चार लोगों को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी अजाब बनाती है हमारी लड़कियों, चार लोगों को दिखाने के लिए, और अल्लाह को दिखाने के लिए क्या है हमारे पास? अपने बच्चों के जहन में डाले कभी कि बेटा तुमको बड़ा आदमी बनना है, तुम इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, लेकिन बड़ा आदमी बनना है तुम्हारा, उनके जहन में डाले तो तुमको खाली मरीज बनना है, अभी उनके जहन में डाले कि आपको वो इंसान बनना है कि जिससे दुनिया के इंसानों को फायदा पहुंचे। बड़े ख्वाब नहीं दिखाते हम, छोटे छोटे ख्वाब, और फिर उसके बाद क्या होता, बच्चों को कॉलेज में डाले, इंजीनियर मेडिकल, ये ख्वाब है, अब बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, मेडिकल लाना है तेरे को, नीट पास होना है तेरे को, इंजीनियरिंग की सीट आना तेरी। अल्लाह ताला हर बच्चे की एक अलग कैपेसिटी रखा। मेरी बहनों ये बात गौर से सुनो, बच्चे को उसका कैरियर खुद डिसाइड करने दो। आप किसी अच्छे एजुकेशन के पास जाइए, हमारे सारी साथी से काउंसलर से इनके पास जाइए, बोलिए कि मेरे बच्चे का ट्रेंड क्या है, बाल बच्चों की मैथ्स अच्छी रहती है, बाल बच्चों की साइंस अच्छी रहती है, बाल बच्चों को लैंग्वेज सब्जेक्ट अच्छे रहते हैं। हर बच्चे को अल्लाह ताला अलग अलग सलाहियत दे के पैदा करा। सारी दुनिया डॉक्टरों से नहीं चल रही, सारी दुनिया इंजीनियरों से नहीं चल रही, दुनिया में बेहतरीन प्रोफेशन है, बहुत सारे प्रोफेशन है। आप अपने बच्चे की सलाहियत के हिसाब से देखिए और सुनिए से, और इंडिया का भी एजुकेशन सिस्टम हमारे मुल्क का ऐसा है, रटा मारू सिस्टम है, यहाँ जहानत का इम्तिहान नहीं होता, मेमोरी का इम्तिहान होता है, अफसोस इस बात का है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, पता नहीं उसमें क्या चेंज करेंगे, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वेस्टर्न कंट्रीज में मैंने देखा है, वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रट्टा मारू सिस्टम नहीं, आपकी इंटेलिजेंस को वो लोग चेक करते हैं, आपकी जहानत को चेक करते हैं, आपकी मेमोरी, जो जितना अच्छा रट्टा मारा उतने मार्क्स उसको ज्यादा मिला। आप अपने बच्चों को ख्वाब दिखाइए इंजीनियर डॉक्टर बनने का, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा ख्वाब उनको बताइए, उनको बता दीजिए
आपका बच्चा डॉक्टर बन भी गया, मेरा बच्चा डॉक्टर बन भी गया, अच्छा इंसान नहीं बना, तो क्या करता हूँ, दूसरे के जेबों में डालता जाता हूँ। आपको मालूम है थोड़े दिनों पहले यहाँ के इंग्लिश अखबार में आई थी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन के लिए गए, किडनी लाइफ का दिन चाहिए था। क्या हुआ, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की सीट है उसकी, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की सीट हासिल किया हो, अब पैसे निकाल रहे ना डाले सब, अब जो पैसे डाला निकाल रहे ना, क्या करेगा ये काम शुरू करो। तो बहरहाल मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि अपने घरों में दीन का माहौल रखिए, जब पानी सर से ऊंचा हो जाए सब पछताने से कुछ नहीं होता, ये अपना किरदार अदा करेंगे स्कूल वाले, लेकिन मैं कहता हूं कि 80% बल्कि 90% आपके बच्चे की तकदीर आपके हाथ में, आप अपने बच्चे की तकदीर को संवारने वाले आप हैं, कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता। आप अपने घरों में सुबह फजर की नमाज का एहतमाम कीजिए, आपका बच्चा भी फजर पढ़ना शुरू कर देगा आपके साथ, आप अपने घर में तिलावत कुरान का एहतमाम कीजिए, बच्चा भी तिलावत का एहतमाम, आप खिदमत खल्क कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, आपका बच्चा भी मदद करना शुरू कर देगा। आप अपने घर को गीबत से झगड़ियों से झगड़ों से दूर रखिए, मोहब्बत बांटिए, कितने दिन की जिंदगी है, आज आपके साथ साथ आपका जीना आराम करें तो कितने दिन की है, एक ना एक दिन उसकी आंखें बंद होंगी और आपके भी सास बनना है, और कोई सास अपनी बहू पे जुल्म कर रही है तो ये मत सोचे तो बच जाएगी, अल्लाह के पास उसकी भी पूछो, और कोई शोहर अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा है तो बेटा देखेगा वो भी अपनी बीवी पे जुल्म करेगा। आप जो करते हैं आपका बच्चा उसको उसको अमल करेगा जिंदगी में। आप बच्चे के हाथ से गुटखे की पैकेट मंगाकर ये मत सोचिए कि बच्चा गुटखा नहीं खाएगा, आप बच्चे के हाथ से सिगरेट मंगा के ये मत सोचिए कि आपका बच्चा सिगरेट नहीं पिएगा, आप बच्चे के आजरे से झूठ बोलने लगा के बास पेरेंट्स अल्लाह माफ करे, मैं जाता हूँ काउंसिलिंग के लिए, बात करता हूँ बच्चे के सामने झूठ बोल के, बच्चा ऑब्जर्व करते रहता है सब चीजें, आप यहाँ बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, फोन आया ऑफिस से, क्या साहब अभी तक ऑफिस को नहीं आए, अरे ट्रैफिक क्यों साहब भाई, कहाँ रहता, घर में रहता हूँ, बच्चा बोल रहा, अच्छा ऐसा बोल सकते इसका मतलब, बोल सकते हैं इसका मतलब, इंशाल्लाह मैं भी बोलूंगा, बल्कि मैं ज्यादा बड़ी ट्रैफिक में बोलूंगा। आपके घर में कोई मेहमान आना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें जो हमारे घरों में होती है, मैं बता रहा हूँ, मेहमान आना चाहते हैं, आपकी बच्चियां बैठी हुई है, सलाम अलैकुम बाबा आना बोल रही थी उन्होंने, अरे नहीं जी आज उनका रस्म है, जाने नहीं रहता रस्म इसका, आपकी बच्ची सुन रही हो, अच्छा सब बोल सकते हो ना, अम्मा बोल दो, अम्मा बोल दिए क्या रहेगा, सब नहीं बोल सकते, आपकी बच्ची और आपका बच्चा फिर बाद में आपको झूठ बोलता, कहाँ गया था इतने दिन से, स्पेशल क्लास थी मेरी, हालांकि दोस्तों के साथ आवारा कर रही है, क्या रहा क्यों मिले आज आधा घंटा लेट रहे, नहीं सहेली के घर को गई थी, पार्क में बैठी हुई थी, डर हो रहा है सब, This is what happening now. हमारे मोर्चे में हो रहा है, ये चीज हम सिखा रहे हैं, अभी भी वक्त है हमारे पास कि हम अपने बच्चों के सामने अपना किरदार पेश करें, अपना कैरेक्टर पेश करें, आपको देख के आपके बच्चे सीखेंगे, आप उनके रोल मॉडल हैं, बड़े ख्वाब दिखाइए, नेक बनाइए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मेरे पास एक मैसेज आया था, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सारा ही चीजें लेता, लेकिन बड़े नाम नहीं लेता, कि मैं दुनिया को चेंज करने वाला, दुनिया में तब्दीली लाने वाला बनना नहीं होता, और फिर कौन सो रही है भाई, कौन सो रही है, किसी ने क्या खूब लिखा है कि पहले माएं जब अपने बच्चे को दूध पिलाती थी उनके जहन का ख्याल रहता था कि मेरा बच्चा बड़ा आदमी बनेगा,
بڑے بڑے لیڈرز کی طرح بڑا سمجھتی تھی اور وہ بچے بڑے نکل کے بڑے بنتے تھے. اب آج کی ماں دودھ اس لیے پی جاتی ہے بچہ سو جائے سو جائے میری گنتی ختم, پوری قوم سو رہی ہے, دیکھ لیا کسی کو احساس نہیں ہے. آپ اپنے بچے کے ہاتھ سے گھر کے سامنے کچرا پھینکنے لگا رہے ہیں, یعنی اس کو ٹرین کر لیں کتنا ڈرام ہے. یہاں پہ پڑوسی کے گھر کے سامنے گڑا کھود رہے ہیں, نل کا گڑا کھود رہے ہیں, پھر اس کو بجھا رہے نہیں. آپ سکھا رہے ہیں کہ کر سکتے ایسا ہو بڑا ہو کے یہ اور کرتا ہے. بہرحال میں تھوڑی سی چیزیں میں آپ کے سامنے بتا دیا. آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں. اگر جو چینج جو تبدیلی آپ اپنے بچے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں پہلے اپنے اندر پیدا کیجیے. اور دنیا کا ہر پیرنٹ چاہتا ہے اس کا بچہ نمازی میں رہنا, نیک رہنا, پرما پتا اطاعت رہنا, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا رہنا, شریف رہنا, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ اس کو ماحول فراہم کیجیے اور اس کے سامنے آئیڈیاز دیجیے کہ بیٹا یہ کرا تو یہ ہے, یہ کرا تو یہ ہے. اچھائی اور برائی بتائیے بچے کو, سمجھ پا کیجیے تو آپ کا بچہ امریکہ میں بھی جا کے پڑھا تو آوارہ نہیں بنتا ہے. اور اگر آپ کے بچے کی گھر میں تربیت نہیں ہوئی تو یہاں اولڈ سٹی میں رہ کے بھی آوارہ بن سکتا. آپ کے بچے کی قسمت بنانا یا بگاڑنا آپ کے ہاتھ میں. اور بیٹیوں کے تعلق بہت زیادہ سنا کرتی ہوں, معاشرہ اچھا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 90% جو طلاق کی ہو رہی ہے وہ خلا کی ہو رہی ہے. لڑکیاں طلاق لے رہی ہیں, لڑکیاں طلاق, بہت الارمنگ بات ہے. ہماری بچیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجہ, حضرت سیدہ زینب, حضرت مریم کے ان کے آئیڈیلز بتائیے بچوں. میری بہنوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, قیامت کے دن آپ کی بچی کو آپ کس کے ساتھ دیکھنا پسند کریں, حضرت فاطمہ کے ساتھ یا پھر نیکلیس کے ساتھ؟ بتائیے کس کے ساتھ, زور سے بولیے. حضرت فاطمہ کے ساتھ. تو حضرت فاطمہ کے ساتھ اگر اپنی بچی کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت میں جائے تو جنت والے عمل سکھائیے اس کو. آپ اس کو آئیڈیل فلم اسٹار کو بنائیں گے اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ میری بچی فاطمہ زہرا بن کے ہو, یہ ممکن نہیں. نیم کا ببول کا اگر آپ بیج لگائیں گے تو ببول کا پھل اٹھے گا, آم کا پھل نہیں آئے گا. آم کا اگر آپ لگائیں گے تو آم کا پھل آئے گا. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب والدین کو, مجھ سمیت ہم سب کو نیک توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا میں بھی سرخرو فرما اور آخرت میں بھی سرخرو فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچے بچوں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اونچا مقام دیا اور آخرت میں بھی اونچا مقام دیا. دوران گفتگو اگر میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچے تو میں معافی چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی بول رہا تھا, آپ کو بھی بول رہا تھا. میرا مقصد صرف آپ کو ریئلائز کرانا تھا. آخر میں مقدوم صاحب کا شکر گزار ہوں, ساجی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, مولانا کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے بیکار آدمی سے آپ نے اتنی گفتگو سنی. آپ کا وقت میں ہو سکتا ہے کہ ضائع کیا ہو, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ کی باتیں ان شاء اللہ ہمارے دلوں پہ اثر کریں گی. جیسے کہ شیخ صاحب نے بتایا کہ تربیت ماں کی گود سے ہوتی ہے. اسلام میں کئی ایسے مسائل. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سنشین پر تشریف فرما. عزت امام, خادم ملت اسلامیہ ایاز الشیخ صاحب, تمام ذمہ داران اصلاح ہائی اسکول, اساتذہ اکرام اور
عزیز والدین، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جب مخدوم علی خان صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اصلاح ہائی اسکول میں ایک پیرنٹس میٹنگ کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے تو آپ وقت نکال کر آئیں. کچھ پیرنٹس کو شاید یاد ہوگا پچھلے سال بھی میں نے یہاں آ کر آپ کے ساتھ وقت بتایا تھا. الحمدللہ رب العالمین اللہ نے مجھے پھر آپ سے ملنے کا موقع عنایت فرمایا. بہت ہی پیارے انداز میں میرے پیشرو مخرب اور بہت ہی سنجیدگی میں، عام فہم میں اور پورے اخلاص کے ساتھ اے سے لے کے زد تک والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں، ایک والد کی طرح، ایک والدین کے کردار کی طرح انہوں نے خاکہ کھینچا ہے. شاید کہ مجھے اور کہنا ضروری نہیں، کافی باتیں آپ کے گوش گزار ہو چکی ہیں. بس جب موقع مل گیا ہے اس خاک سر کو تو آپ سے کہتا چلوں کہ جو آپ یہاں موجود ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ بڑے بد نصیب ہیں. جب دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ، کس کے لیے؟ اپنے خود اولاد کی تربیت کے لیے، ان کی نشو نما کے لیے، ان کے بدلاؤ کے لیے، ان کے اندر ایک تحریک کو پیدا کرنے کے لیے، ان کو جو دین سے بیزار ہیں تو دین کی بیداری کے لیے یہاں پر یہ اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا ہے. میں آپ کو سچے دل سے، پورے اخلاص سے سلام کرتا ہوں اور آپ کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے پہلا کام مکمل کر لیا ہے. کہ جب اصلاح ہائی اسکول میں آپ کو کہا میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے، ایک جو ہے ریٹرن جو ہے نا، ایک رپورٹ کے ذریعے کہ آپ کو آج والدین کے اجلاس میں، پیرنٹس کی میٹنگ میں شرکت فرمانا ہے، تو آپ نے اپنی پوری مصروفیات کو، جو کچھ مسائل تھے سب کو چھوڑ کر آپ یہاں پر آ گئے ہیں. آپ خالی مبارک بات، آپ نے قربانی دی ہے وقت کی. کیوں کہ آپ کو اپنے اولاد کا درد ہے، آپ کے دھڑکتے دل میں اولاد کی وہ محبت ہے. کیوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ایک بہاؤ میرے پیش و مقرر کہ اچھا انسان بنے، اچھا مسلمان بنے، بلکہ مومن بنے، اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ. یہ جو تعلیمات ہیں، 6-7 سبجیکٹ جو اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں، بے شک یہ علوم اللہ سبحانہ تعالی کی نعمت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم کو بے شک جو ہمارا مقصد ہے، کس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، کس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اگر یہ سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے اتنے بد نصیب کوئی بھی نہیں ہے. الحمدللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شرف حاصل ہے پیدا ہونے کا، بڑے ہونے کا، ایک عمر تک آنے کا، امتحان فرمانے کا. قربان جائیں آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے لیے اپنی مال، اپنی جان، سب کچھ قربان ہے. اپنے دھڑکتے دل میں جب تک محبت اللہ کی، جن کا دیدار ہم کو کرنا ہے، جن کے سامنے ہم کو پیش ہونا ہے اپنے اعمال کے بوجھ کے ساتھ. کرامن کاتبین تو لکھ رہے ہیں لیکن ہم سو رہے ہیں، ہم جاگنا نہیں چاہتے.
موجود ہے، سلام دستور حیات موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے، شریعت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن کیوں زوال کا شکار ہے؟ بتائیے، جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمارے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ آخر ان حالات کا سامنا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ہمیں کفریہ کلمے کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کیوں یہ حالات آج ہمارے سامنے ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں بحثیت اولاد، میرے والدین نے مجھ پر توجہ دی، مجھے ایسی نشو نما دی، آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمت کر رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں، کچھ اچھی بات کر رہی ہوں۔ کیا آپ نہیں چاہو گے ایاز الشیخ صاحب، مخدوم صاحب، میں جیسا آپ کی اولاد بھی بنے، کھڑے ہو اللہ اس کے رسول، ان کی تعلیمات، دستور حیات، قرآن، یقین جانی ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک لمحے کا جواب دینا۔ کیا منہ لے کر ہم جائیں گے خبر سے لے کر حشر تک؟ کیسے اپنے آپ کو پیش کریں گے؟ یہ انالیسس ہم کو کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، وقت پہلے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ آج بخول میرے پیش و مقرر، مانا پرستی، ایک دوسرے کو کھینچنا، شان، شوکت، دولت، اسی کی محبت نے ہم کو مجنوں بنا دیا ہے، دیوانہ بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے، بس ہم رات اور دن ایک ہی چیز میں مصروف ہیں۔ آگے والے کی بلڈنگ چار مالے ہے، میری چھ کیسی ہو سکتی ہے؟ ان کے پاس اگر ماروتی ہے تو میرے پاس بی ایم ڈبلیو کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا را! یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ ہماری فکر نہیں ہے۔ ارے ہماری فکر اور سوچ کیا ہونی چاہیے اور ہم کیا ہیں؟ جھگڑے ہر گھر میں ہیں۔ ایک سیریل آیا تھا کہانی گھر گھر کی، بے شک ہر گھر کی اپنی کہانی ہے، بغیر کہانی کے کوئی زندگانی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا، بے شک گھر کا جو ماحول ہے وہ پورا پورا آپ کے بچوں پر اثر انداز ہے۔ آپ جھگڑو ان کے سامنے نہیں، آپ جھوٹ بول لو ان کے سامنے نہیں، آپ جو کرنا ہے کر لو ان کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ آپ کو جذب کر رہے ہیں، ابزرو کر رہے ہیں، آپ کے حرکت و سکنت کو غور و فکر سے آپ سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ آپ جھگڑا کرو، آپ کو پورا حق ہے، آپ وائف ہسبینڈ ہیں، جھگڑو، آپ دروازہ بند کر کے کمرے میں جھگڑو، خوشیاں طور پر اولاد کے سامنے نہیں، ان کی تربیت نہیں ہو سکتی، ان کی نظروں میں آپ گر جاؤ گے، آپ کھڑے ہو کر وہ زام نہیں دکھاؤ گے، سونے کا دیوالہ کیسے کھلاؤ گے؟ بتاؤ، جب آپ خود ان کے سامنے لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، جھوٹ بک رہے ہو، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کے بعد آپ کا کیا مقام ہے؟ اولاد کی نظر میں والدین کا مقام اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ مفتاح الجنہ جنت کا دروازہ ہے، لیکن کب ممکن ہے؟ جب گھر کو جنت بنائیں گے تب ہی ممکن ہے، ورنہ اگر ہم خسارے میں ہیں ہم کیسے اولاد سے امید کر سکتے ہیں؟ آپ اور ہم جتنے حاضرین ہیں، بلکہ جتنی امت مسلمہ ہیں، سب کے سب دائی ہیں، ہم کو دعوت فکر دینا ہے، لیکن ہم اپنی فکر میں مشغول ہیں، ہم کو وقت نہیں، ہمارے اندر بیزارگی دین سے ہے، دنیا سے نہیں ہے۔ دعا
دنیا کی محبت اگر دل میں بسا لو گے خدا را اللہ اس کے حبیب کی محبت دل میں کیسے سمائے گی. آپ کے دور میں خون میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسانا ہوگا, ورنہ یاد رکھیں آپ جو حالات ہیں اس سے بھی بدتر حالات کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا. تیار ہو جائیے, یہ ہماری دیر ہے جو ہم بھگت رہے ہیں, یہ ہماری لاپرواہی کا نتیجہ جو آج قتل و غارت گری ہو رہی ہے. کسی دشمن کی ضرورت نہیں, ہماری قوم ہماری قوم کو کاٹ رہی ہے, خون کے ندیاں بہا رہی ہے. کہاں ہے ایمان, کہاں ہے اسلام, کہاں ہے وہ کلمہ جس کی طاقت سے ساری کائنات ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خالی زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا. دل آپ کا, دل آپ کا ذہن دوڑتا ہوا خون کلمے سے ہلنا چاہیے. آپ کو نہیں پتا, پتا کریے کلمے کی طاقت کیا ہے. رات میں تہجد کی نماز پڑھیے, کلمہ کا ذکر کیجیے, اس کے بعد مجھے بتائیے کلمے کی طاقت کیا ہے. میرا ذاتی تجربہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں. صبح شام کلمے کا ورد کریے, ذکر کیجیے, پھر دیکھیے آپ کے گھر میں آپ کی اولاد کو بازو بٹھا کر کے کھینچیے, ان کو بھی وہ تربیت دیجیے. بتائیے جب آپ خود وہ حساب میں نہیں ہیں, آپ خود وہ شکل میں نہیں ہیں, تو آپ کی اولاد کو آپ کیسے ڈانٹو گے, ڈپو گے, محبت سے بھی کیسے ان کو جو ہے آپ تربیت دینے کی کوشش کرو, کیونکہ آپ خود ویسے نہیں ہیں. ہمارے اندر خود خامیاں ہیں. اگر میں تہجد نہ پڑھتے ہوئے آپ سے کہوں کہ تہجد پڑھ کے لطف لو اور مزہ بتاؤ, کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں ہے. میں تہجد پڑھ کے کلمے کی طاقت کو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, میں عمل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. ایز اے والدین, ایز اے پیرنٹس, آپ کو بھی پہلے عمل کرنا ہے. عمل کرنے کے بعد تربیت ہو سکتی ہے, بغیر عمل کے تربیت کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بخول آپ کے ڈاکٹر بن جائیں گے, انجینئر بن جائیں گے, دنیا پرست بن جائیں گے, لکھ پتی, کروڑ پتی, ارب پتی, بڑے بڑے محل, گاڑیاں دے دیں گے, لیکن خواب جہنم میں جانے کا راستہ اگر دے دیں گے تو بتائیے آپ کی تربیت کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ کی تربیت کا جواب روز محشر خبر سے لے کر حشر تک آپ کو دینا ہے. آپ کی اولاد کی پوری پوری ذمہ داری 100% آپ پر ہے. باقی جو اساتذہ احترام ہیں, ٹیچرز ہیں, وہ کوئلے کو ہیرا بناتے ہیں, اس کے اندر ایک چمک دیتے ہیں, وہ چمک آپ کے گھر سے روشنی پھیلاتے ہوئے گلی اور محلوں سے نکل کر شہر, ملک اور تمام عالم اسلام میں اس کی روشنی کو بکھیرتی ہے. ہیرا بنا کے تو دیکھیں, ہیرا بنانے کی بیداری تو پیدا کرے. دین اور دنیا کو بیلنس کرنے کا نام ہی اسلام ہے, کوئی ایک سائڈ ہونا نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت مشقت کرتے ہوئے دین کی دعوت دیتے رہے, اس سے بڑے آئیڈیل ہمارے کون ہو سکتے ہیں؟ ساری روئے زمین میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بخول ہمارے پیشہ مقرر, تھوڑی سی اور بات میں ایڈ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. بتائیے آپ, آپ کی اولاد کی ضد کے آگے سرنڈر ہیں, آپ سرنڈر ہیں, ہتھیار ڈال رہے ہیں, فون چاہیے لبے کچھ بھی کریں گے, فون دلا دیں. کالج بچے کو جانا ہے, بولے گا بائک ہے تو جاؤں گا, سرنڈر نہیں سن رہا. آپ کی اولاد آپ کو نہیں سن رہی, مولوی صاحب سے کیسے سنے گی, ٹیچر سے کیسے سنے گی؟ آپ کی اولاد تو آپ نے پیدا کیا, آپ کی اولاد کو آپ سے زیادہ کوئی اور سمجھ بھی نہیں سکتا, آپ سے زیادہ کوئی محبت بھی نہیں دے سکتا, آپ سے زیادہ تربیت نہیں دے سکتا. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بحثیت اولاد کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں.
لیکن آنکھیں سوئی ہوئی ہیں, آنکھوں کو جگانا ہے, بیداری پیدا کرنا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتانا ہے. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ دیجئے, جواب دے بنائیے, ان کو آنسریبل بنائیے, ان سے پوچھئے, لیکن لکڑی لے کر نہیں, چپلوں سے مار کر نہیں, چھڑکیاں دے کر نہیں, گالیاں بک کر نہیں. آج ہی ان کے ساری کے ساتھ محبت کے دیوانے ہوتے بچے, میرا ذاتی تجربہ ہے. میں ایک ٹرینر ہوں, میرے لیے جان نچھاور کر سکتے میرے اسٹوڈینٹس, لیکن وہ کسی اور کی اولاد ہیں, میری اولاد نہیں ہے. میں نے محبت ان کی آنکھوں میں دیکھی, محبت سے ان کو ڈھال لیجیے. لوہے کو بھی آپ اپنی طرف سے موڑ سکتے ہیں, بشر دے کے آپ اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ وقت دینا آپ کو ضروری ہے, ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا آپ شرمندہ ہو جائیں, سماج میں, خاندان میں, گلی میں, محلے میں جاتے جاتے کہیں گے پرویز بھائی جا رہے, دیکھو ان کا بیٹا ایسا کیا. کیا بیتے گی آپ کے دل پر جب ہائے افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہو. ہم کو پہلے سے تربیت کے معاملے میں آنا پڑے گا. اگر سو رہے تھے تو جاگنا پڑے گا, اگر وقت نہیں دے رہے تھے تو دینا ہی پڑے گا, دینا ہی پڑے گا. اگر آپ وقت نہیں دیں گے تو آپ کی اولاد ایک وقت پر آپ کو مجبور کر دے گی رونے کے لیے, خون کے آنسو روئیں گے. ایسے حالات کئی محلے میں, شہر میں, ملک میں ہو رہے ہیں, کون روک سکتا ہے بتائیں. یہ کام گھروں سے شروع ہونا ہے, دعوت فکر گھر سے ہونا ہے, گود سے ہونا ہے, ماں باپ سے ہونا ہے, والدین سے ہونا ہے. اس کے بعد جو ان کو سانچے میں ڈھالنے کا کام ہے, اصلاح ہائی اسکول جیسے لوگ کریں, لیکن ان کے حوالے سرینڈر کر کے صبح 8:30 سے 4 بجے تک آپ گھر میں یہ سوچ کر رہ جاؤ گے کہ میں نے اصلاح ہائی اسکول کے حوالے کر دیا, میرے بچے کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ پوری اصلاح ایسے ہو جائے گی میں جیسا چاہتی ہوں, چاہتا ہوں, وہ بچہ وہ بچی میری جو ہے بن جائے گی. Not at all possible. Highly impossible. جو وقت آپ کا, جو تربیت آپ کی, جو کچھ قربانی آپ کے نہیں ہوں گے, کھانا کھلانا, کپڑے پہنا دینا, ڈریس کا انتظام کر دینا, وقت کے ضرورت گاڑی پہ لا کے چھوڑ دینا, صرف اسکول کے حوالے کر دینا. ہمارے معافی چاہتا ہوں میں, میں نے دیکھا ہے ہم ہمارے خاندان کے تمام دعوتوں کو مکمل کرتے ہیں چاہے خرچہ کیوں نہ ہو جائے, لیکن جب علم کی بات آتی ہے, تعلیم کی بات آتی ہے, تربیت کی بات آتی ہے, اخلاق کی بات آتی ہے, اسکول کی بات آتی ہے, مدرسوں کی بات آتی ہے, تو ہم فوراً جو ہے, بلکہ مسجدوں کی بھی بات آتی ہے, چندہ دینے کی, ہم اپنے جیبوں کو ٹٹولتے ہیں, اپنے آپ پر افسوس کرتے ہیں, پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, یہ مہینہ نہیں وہ مہینہ. علم کے معاملے میں کیوں پیچھے ہیں؟ علم ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے انقلاب پر پہنچ سکتے. گھر سے انقلاب شروع کیجئے, انشاءاللہ وہ دن آئے گا عالم اسلام میں پورے انقلاب کو ہم دیکھیں. شرط ہے اخلاص کی بنیاد پر اپنے جیب کو علم کے معاملے میں, ایجوکیشن کے معاملے میں خدا را مت سوچئے. چھلے چھٹی گیارہویں ہر چیز ہو جاتی ہے, ہمارے شوق پورے ہو جاتے ہیں, عیدین کے موقع پر کپڑے ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. ارے یہ سب کچھ انتظام اللہ ہی کرتا ہے, ان کے معاملے میں اللہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ سوچ اور نیت کی بنیاد پر نوازش کرتا ہے. آپ کی سوچ اور آپ کی نیت میں اخلاص پیدا کیجئے, چیز بننا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. بس آپ اپنی زندگیوں میں اخلاص لائیے, اپنی سوچ میں, اپنی نیت میں سچے دل سے اپنے اولاد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا, ایک پیرنٹس کا فون آیا, والدہ فون کیے, سر بچہ گھر سے نکل گیا,
आपके पास आया क्या? बोला जी हो आ गया, मेरे से कुछ भी नहीं सुन रहा सर, आप बोले तो सुनता हूं। मेरे घर दो तीन घंटे बैठ के कैसा सुनता हूं सर, मेरे घर वो सी ब्लैक मैजिक है, मेरे पास कौन सा लाउडी का चिराग है, मेरे पास मीठी जबान है, मेरे पास तरबियत की इखलास है, मेरे पास इखलास के साथ वक्त है, मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, उसकी समझ के हिसाब से मैं उससे बात करता हूँ, उसकी जान तक पहुंचता हूँ कि आखिर फेल क्यों हो रहा है, आखिर नंबर कम क्यों ला रहा है, आखिर घर में रुबीना है, बेटी है, अव्वल दर्जे में आ रही है, बेटा क्यों जीरो है, क्यों है, वही औलाद है, आप वही माँ बाप है, पढ़ाने वाला सर भी वही है, वही स्कूल है, वही तालीम है, वही एजुकेशन है, वही सिस्टम है, लेकिन मार्क्स में फर्क क्यों है? घूम फिर कर हम तरबियत की तरफ आते हैं, तवज्जो की तरफ आते हैं, वक्त की तरफ आते हैं। आज 24 घंटे में ऐसा जा रहा है 24 घंटा, हमारे पास बोला के लिए वक्त नहीं है, उनको सौदे मंगवाना, रिचार्ज करवा लेना, सिगरेट तंबाकू मंगवा लेना, काम करवा लेना। बताइए आज रिश्तों में वो मिठास बाकी है क्या? क्या वो मोहब्बत के इखलास के मेहमान भी है क्या? बताइए आज ये सब क्यों पतीला है हमारी कौम? दिल हमारा रोता है रातों में और दिन में, इसीलिए आज आपके सामने खड़े हैं बात करने के लिए। शहर खराब है हमारी, लेकिन मैंने आपकी बात लपेटा, बोला नहीं ऐसा आखिर की बात, मैं अगर खूब हूं, जितने हाजरीन हैं जिसको मैं अपनी बातें बता रहा हूं, अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ऐसे वक्त को रहमतों का वक्त करार दिया गया है, मैं कैसे खूब हूं ऐसी अपॉर्चुनिटी को, ऐसे मौके को, जान चले जाए कुर्बान हो जाएंगे मिल्लत इस्लामिया के लिए, अपने आप को कुर्बान कर देंगे, क्योंकि यही कुर्बानी इंशाल्लाह नजात का जरिया बन जाए। आज वक्त निकालने का मकसद क्या होता है? एक बेदारी दावत फिक्र, बच्चों के मोबाइल पे आपका कंट्रोल है क्या? बताइए बताइए, परसों का वाकया है, मैं पढ़ाता हूं, चार पांच रोडी शीटर्स वाले के साथ आ गए, बच्ची के फोन पे मैसेज आ गया, कैसे आ गया? बच्ची नंबर क्यों दी? कौन सी चीज उसको रोकने नहीं दी? अल्लाह का खौफ नहीं है, दीन की तरबियत नहीं है, क्या इंटेंशन था बच्चे से बात करने का? बच्चे के पास नंबर आए तो ही मैसेज करेगा? हम रोज कई मसाइल देखते हैं, बहुत मसाइल देखते हैं। नौजवानों को मैं ट्रेनिंग देता हूं, रोजगार के हावी बना के उनको रोजगार देता हूं, भेजता हूं, ये नेमत है अल्लाह ताला की। जिस तरह हम आपसे बात कर रहे हैं, हम बच्चों से भी ऐसी बात करते हैं, रोज उनके अंदर एक बेदारी पैदा करके सबको भेजते हैं। जब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, यकीन जानिए उम्मत मुसलमान में कोई बदलाव नहीं। आज हम मुट्ठी भरे जंग के बदर में भी मुट्ठी भर थे, अगर इखलास के साथ आप अपनी बातों पर, अपने जहन पर, अपने दिल पर तवज्जो दे दोगे, तो इंशाल्लाह आप ही इंकलाब के लिए काफी। मैं तमाम इस्लाह हाई स्कूल के जिम्मेदारान का बिलखसूस असातिज़ा इकराम, वो असातिज़ा इकराम जो स्टूडेंट को समझते हैं, अपने शागिर्द को समझते हैं, इतना सब्र रखते हैं कि मैं बता नहीं सकता। मेरी भी 20 साल की सर्विस है, खदमात है तालीम के मामले में, तजुर्बे की बुनियाद पे ही कह रहा हूं, बड़ा मुखान है, इस्लाम ने ही दे दिया है, असातिज़ा इकराम का मुखान वालिदैन के बाद है, वालिदैन के बाद वही वालिदैन, और वालिदैन और असातिज़ा इकराम दोनों मिलके अगर वो बच्चा, वो लड़का, वो लड़की को अगर सांचे में ढाल दे, हीरा जरूर बनेगा और उसकी चमक जरूर जो है कौम और उम्मत मुसलमान जरूर देखिए। यकीन के साथ कह रहा हूं, यकीन के साथ कह रहा हूं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप अयाज़ उल शेख साहब की बातें और हमारी जो बातें हैं
ہم بھی خاک ہیں، خاک سر ہیں، آپ کو بھاگ کر کے بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہم کتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے کہ آپ سے ہم کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، کچھ اپنے اندر بھی بیداری پیدا کرنے کا اور آپ کو بھی دعوت دینے کا، اپنے جذبات کا، اپنے احساس کا جو ہے اظہار کرنے کا موقع، اس کی کتنی نعمتوں کا شکر سات جنم لے کر بھی ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انبیاء کرام نے کہا تھا کہ آپ انبیاء کیوں بنائے، ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ کتنی پیاری بات، ہم کو اپنا درجہ نہیں معلوم ہے، ہم کو اپنا مقام نہیں معلوم ہے، یہی مسئلہ ہے۔ گھر پریشان ہے، معاشرہ پریشان ہے، سماج پریشان ہے، پوری امت مسلمہ پریشان ہی پریشان ہے۔ بتائیے کہاں سکون ہے؟ اللہ کے ذکر سے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، درود و سلام سے اپنے دلوں کو سجا لو، اس کے بعد دیکھ لو سکون ہی سکون ملتا ہے۔ واقعی الحمدللہ